सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में गाइज मैं आपको बताना गाइज, अगर आपका जियो पर्सनल बैंक में अकाउंट है तो आपने उस अकाउंट में अगर आपका ईमेल आईडी ऐड है पहले से और आप किसी रीजन से अपनी ईमेल आईडी को आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि आपका जो ईमेल आईडी पहले से ऐड है तो उसको आप चेंज करके अपना दूसरा नया ईमेल आईडी आप ऐड करना चाहते हैं, अपना दूसरा कोई सा भी ईमेल आईडी, तो आप यहाँ से अपने जियो पर्सनल बैंक में कोई नया सा दूसरा ईमेल आईडी आप कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सिंपली गाइज, अगर आप अपने जियो पर्सनल बैंक में दूसरा ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं, जो पहले ऐड है उसको रिमूव करके दूसरा ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सिंपली गाइस, अगर आप वाकई में ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइस, आप चलिए बताता हूँ कि कौन सा एज स्टेप जिसको फॉलो करिए गाइस, आप बहुत जल्दी अपने जियो पेमेंट्स बैंक में आप बहुत जल्दी अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और आप जो पहले से ऐड उसको रिमूव करके आप यहाँ से दूसरा नया ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। चलिए गाइस, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कौन सा एज स्टेप है। तो फिर गाइज, आपको अपने जियो पेमेंट्स बैंक में अपनी ईमेल आईडी को चेंज करने के लिए सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पे गाइज आप माई जियो एप्लीकेशन सर्च कर लेंगे, ऑलरेडी आपके फोन में एप्लीकेशन होगा। अब देखिए गाइज, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे आकर के चेक कर लेना है कि एप्लीकेशन अपडेट है या नहीं अपडेट है। अगर अपडेट है तो अच्छी बात है, नहीं अपडेट है तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। फिर गाइज, जैसे अपडेट हो जाएगा तो आप उसको ओपन करेंगे। देखिए एप्लीकेशन जैसे ओपन होगा तो इसका जो होम इंटरफेस होगा देखिए आपके सामने तरह से ओपन होगा। तो फिर यहाँ से ईमेल आईडी चेंज करने के लिए सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन लगेगा बैंक का, तो सिंपली गाइज आप यहाँ बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपके जियो पेमेंट्स बैंक का जो भी एम पिन होगा, जिस भी पिन को आप डाल करके लॉग इन करते होंगे तो सिम पिन को आप यहाँ एंटर करेंगे। अब देखिए, मैंने अपने फिंगर के थ्रू इसको लॉग इन कर लिया। अब देखिए जैसे आपको बैंक यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा तो फाइनली गाइज आपके बैंक का जो प्रोफाइल डैशबोर्ड होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट के थ्रू अपने बैंक को लॉग इन कर लिया। अब देखिए जैसे आप बैंक को लॉग इन कर लेंगे तो इसका जो प्रोफाइल डैशबोर्ड होगा देखिए इस तरह से ओपन होगा आपके सामने। अब यहाँ पे गाइज आपके बैंक जितने बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होगा, जैसे कि देखिए 186 रुपीज 36 पैसे है मेरे अकाउंट में। अब चलिए गाइज, यहाँ से बताता हूँ कि आप ईमेल आईडी को कैसे चेंज करेंगे। तो गाइज आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ नीचे आएंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा जब आपको फोन नंबर ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, तो आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जियो पेमेंट बैंक का जो प्रोफाइल डैशबोर्ड होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अभी ये जब आपको क्या करें, ईमेल आईडी चेंज करने के लिए सिंपली आप यहाँ नीचे आएंगे। अभी ये आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे जाएंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे देखिए जब आपको एक ऑप्शन मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल का, तो यहाँ पे क्या देखिए एक एरो शो हो रहा है, तो सिंपली आप यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल पर टैप करेंगे। अब देखिए कम्युनिकेशन डिटेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस आपका जो कम्युनिकेशन डिटेल होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब आपको ऑप्शन का ईडी डिटेल्स का, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए ईडी डिटेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस जितना भी डिटेल होगा वो देखिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से गाइस अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे नहीं एडिट कर सकते, बस गाइस आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर गाइस देखिए आपका ऑप्शन मिल जाएगा ईमेल का, तो यहाँ पे गाइस आप ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस देखिए आपको एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ से गाइस आप इसको इरेज कर लेंगे। अब देखिए गाइस इस तरह से आपका जो ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा। अब यहाँ से गाइस अपना जो भी नया ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी को आप यहाँ एंटर करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए, मुझे जो अपना नया ईमेल आईडी ऐड करना है उसको यहाँ से मैं एंटर कर दिया। अब गाइस आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से अपना नया ईमेल आईडी आप यहाँ एंटर कर देंगे, अब गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे और आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली गाइस जैसे आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से अपना जो भी नया ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे वो ईमेल आईडी आपके इस बैंक से लिंक हो जाएगा और अब आगे कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगा तो आपके इसी ईमेल आईडी पे आएगा। सो गाइस, इस तरह से आप बहुत जल्दी आप जियो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।